सो हेलो गाइज, अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, मतलब हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो का एक भी पार्ट आप मिस मत कीजिएगा। क्या है, इंस्टाग्राम में जब से न्यू अपडेट आया है तब से इंस्टाग्राम ने डिलीट का ऑप्शन हटा दिया है। अगर आप वहाँ पर डिलीट करने जाते हैं तो डिलीट का ऑप्शन दिखता तो है, लेकिन न्यू अपडेट के बाद में वहाँ से आप परमानेंट डिलीट नहीं कर पाते हैं। सो इस वीडियो में मैं आप लोग को सिंपल ट्रिक से बताऊँगा कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस वीडियो को बिना मिस किए लास्ट तक वॉच करना है। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है सूरज कुमार आदित्य और आप देख रहे हैं मोबाइल ऐप्स और उनकी जानकारियाँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर जाने के बाद में आप लोग क्या करना है, अपने प्रोफाइल पर चले जाना है। ठीक है, ये प्रोफाइल पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर ये मेरा टेक्निकल मोबाइल करके एक अकाउंट है जिसे हमें डिलीट करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले थ्री लाइन पर चले जाना है। थ्री लाइन पर जाने के बाद में सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद में गाइज, ये वीडियोस आप ध्यान से देखिए, कहीं पर भी आपको मिस नहीं करना है। अगर आप एक भी जगह को मिस करते हैं तो आप अपने अकाउंट को डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं अकाउंट पर। अकाउंट पर जाने के बाद में हम लोग कहाँ जाना है, सॉरी गाइज, छोटा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर हम लोग को हेल्प पे जाना है। हेल्प पे जाने के बाद में हम लोग को हेल्प सेंटर पर जाना है। हेल्प सेंटर पर जाने के बाद में ध्यान से देखिए गाइस, छोटी सी बस गलती हुई थी, इसके बाद से फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि पेज ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये प्रोसेसिंग चल रहा है। उसके बाद से यहाँ पर आप लोग को फिर से ये जो थ्री लाइन दिख रहा है, इस थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, बट आप लोग को यहाँ पर मैनेज योर अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग मैनेज योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग को फिर से बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे और यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना है डिलीट योर अकाउंट। यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन नज़र आने लग जाएंगे गाइज। तो आप लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कहीं पर भी आपको डिलीट का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। ठीक है, सो आप यहां से डिलीट नहीं कर सकते, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा क्योंकि इंस्टाग्राम ने काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग कर दिया है। जो ऑप्शन यहां पर होना चाहिए वो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर से आप डिलीट नहीं कर सकते। हां, लेकिन यहां पर से आप अपने अकाउंट को डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब जो भी अगर आपके अकाउंट में आपने पोस्ट डाला है उसको आप यहाँ से ये डाउनलोड अ कॉपी लिखा है, यहाँ पर से आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, ताकि अगर आप जो भी इसमें पोस्ट किए हैं वो आपको चाहिए सो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से तो डिलीट नहीं कर सकते, सो यहाँ से आप ये नीचे का जो दो ऑप्शन है यहाँ से हम लोग बिल्कुल भी डिलीट नहीं कर सकते गाइस। तो ये दोनों ऑप्शन तो आप रहने दीजिए, यहाँ पर आप इनको ओपन ही मत कीजिए क्योंकि यहाँ से आप डिलीट नहीं कर सकते, तो इनको ओपन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप लोग को ऊपर में एक नज़र आ रहा होगा टेम्परेरी डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पर एरो जो दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हम लोग को नीचे स्क्रॉल करना है, मतलब नीचे की ओर हमें जाना है गाइस। जैसे नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट पर हमें क्लिक करना है। फिर से यहाँ पे जैसे हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर भी कोई हमें डिलीट का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा गाइज। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग को एक एक स्टेप मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखें तभी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, सो उसके बाद से ये एंड्रॉयड ऐप हेल्प लिखा है, इस पर हमें एरो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में मोबाइल ब्राउजिंग हेल्प, ठीक है, फिर मोबाइल ब्राउजिंग हेल्प पर जैसे हम क्लिक करते हैं उसके बाद से फिर हमें क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे चले जाना है। नीचे जाएंगे उसके बाद से फिर यहाँ पर भी हमें कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिलीट योर अकाउंट पेज यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके जस्ट ऊपर में आप रह आएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए डिलीट योर अकाउंट। शुरू से मैं आप लोग यहाँ से स्क्रॉल करके बता देता हूँ जहाँ से हम लोग आए थे, मोबाइल ब्राउजिंग हेल्प पर जैसे ही हम लोग आए थे उसके बाद से थोड़ा सा हमें नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में या टू रिक्वेस्ट द परमानेंट डिलीटिंग योर अकाउंट ऐसा करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जस्ट नीचे आप लोग देख सकते हैं डिलीट योर अकाउंट का ऑप्शन आप लोग को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन आ चुका है गाइस डिलीट करने का, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लोग को डिलीट कैसे करना है, अब यहाँ पे आप लोग को ये एरो पर क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर पूछ रहा है कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे रीज़न हैं, तो इसमें से कोई से भी रीज़न आपको चूज़ कर लेना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है जिस वजह से आप डिलीट करना चाहते हैं किसी भी वजह से, तो यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, टू डिस्ट्रैक्टिंग कुछ भी आपको डिस्टर्ब हो रही है, इस वजह से प्राइवेसी आपका यहाँ पे जा रहा है, टू मैनी एड्स बहुत सारे एड्स आते हैं, रिमूव समथिंग यहाँ पे आपको कुछ रिमूव करना है, और बहुत सारे ऑप्शन है, सबको मैं पढ़कर नहीं बताऊंगा वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास सेकेंड अकाउंट है इसलिए मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। आपका कोई से भी रीज़न हो सकता है। उसके बाद से यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा पासवर्ड, यहाँ पर आप लोग को अपना पासवर्ड डाल देना है। अगर आप पासवर्ड नहीं डालते हैं तो ये डिलीट नहीं होगा गाइस, आपको अपना पासवर्ड सही तरीके से डालना है इंस्टाग्राम अकाउंट का जो पासवर्ड है। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना पासवर्ड जल्दी से यहाँ पे डाल देते हैं, और यहाँ पे ठीक है हमारा जो पासवर्ड है ये हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग इसको एंटर कर देते हैं, ठीक है। पासवर्ड जैसे ही हमने एंटर कर दिया, एंटर करने के बाद में यहाँ पर आप लोग को सबसे नीचे में लिखा हुआ आ रहा है डिलीट टेक्निकल मोबाइल 118, मतलब ये हमारे अकाउंट का यूज़र नेम है, इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज़र नेम है। सो बोल रहा है कि आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप क्लिक करें। बट इससे पहले आप लोग ध्यान रखें गाइस, अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर रहे हैं तो आपको 30 डेज़ के अंदर मतलब 30 दिनों के अंदर कभी भी आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन नहीं करना है। अगर आपने 30 दिनों के अंदर किसी भी एक दिन में इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर लिया तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट नहीं होगा। फिर से आपको कंप्लीट वही प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा जो जो मैंने अभी बताया, और फिर से आपको उस तरीके से डिलीट करके 30 डेज़ का वेट करना पड़ेगा। मतलब सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर रहे हैं तो 30 दिनों तक आप कोई इस अकाउंट को लॉगिन नहीं करना है, ठीक है। सो उसके बाद से हम लोग को क्या कर लेना है, ये तो मैं आप लोग को जानकारी बता दिया कि आप लोग को 30 दिनों के अंदर लॉगिन नहीं करना है, अदरवाइज आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट नहीं होगा, ठीक। उसके बाद से हम लोग क्या है डिलीट टेक्निकल मोबाइल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि क्या आप रियल में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ओके पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगा कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा। सो गाइज, और डिलीट होने के बाद जैसे ही हम वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग पास एक ईमेल नज़र आएगा, जैसे कि हमारे पास एक ईमेल नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखा है वी आर सॉरी टू सी रिक्वेस्ट टू डिलीट योर अकाउंट, इफ़ यू चेंज योर माइंड यू हैव अनटिल March 22, 2023 टू लेट गो, अदरवाइज ऑल योर पोस्ट एंड इन्फॉर्मेशन विल बी डिलीटेड। तो यहाँ पर हमारा कन्फर्म हो चुका है कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। कब तक डिलीट कर दिया जाएगा, 22 मार्च तक हमारा अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास मैसेज आ चुका है, तो हमें इसे कुछ भी नहीं करना है, सीधा से सीधा हमें क्या कर लेना है, अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं करना है ताकि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है डिलीट हो जाए। उसके बाद से जस्ट मेरे पास कुछ टाइम बाद ये मैसेज आ गया कि ऐसा ऐसा बात है करके, ठीक है। चलिए, तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपका भी इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो चुका है या फिर आपने मैंने जो जो बताया है वो सब आपने किया और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो रहा है, तो आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं ताकि मुझे अच्छा लगे कि आप लोग की मैं कुछ हेल्प कर पाया। चलिए, तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।